तो इसलिए मैं कहता हूँ जब आप चीज़ें करोगे तभी आप सीखोगे, जब आप नहीं करोगे आप बोलोगे कि टफ है टफ है टफ है या मुश्किल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। नए व्लॉग के अंदर आप मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा सा हिलती थोड़ा सा तो नहीं है और थोड़ा सा एनर्जेटिक भी नहीं है, क्योंकि कल का दिन जो बोरिंग गुजरा था आज के दिन भी उसी तरह भी तो उसी तरह गुजरेगा। उसकी वजह यही है कि अभी ना कोई ट्रेवलिंग है और ना ही कुछ है। कल तो जुम्मा है, जुम्मे के दिन तो शाम को मैं फारिग हूँ। प्रोग्राम पहले था मगर अभी प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसकी वजह यही है कि मेरे पास तकरीबन एक महीने से ज़्यादा उसकी वीडियोस प्रो पेंडिंग है। उन सबको मुझे एडिट करना है और तकरीबन उसको मुझे अपलोड करना है, कल या परसों उसको अपलोड करना है, ताकि मेरे जो आगे वाले ट्रेवल्स हों उसमें मेरा डेली जो वीडियोस कंटिन्यूसली चल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो। अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, जो कि एयरपोर्ट नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ से मुझे अखबार उठाना है, अखबार उठाने के बाद में फिर से आना है अपने दुकान में। फ़िलहाल के लिए वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मतलब मेरे ख्याल से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड इसके साथ देखते रहिए। क्या है तुझे, क्या है तुझे? कुछ नहीं है। मर... आठ समूह है। क्या? आठ समूह है। तेरी आठ समूह है। चाय पियो? पी रहा हूँ। पियो ना। अरे घर जाएगा, क्या करेगा तू? मजा आया। क्या है? मजा आया। हाँ। तुझे मजा आया? जब करने पी, करने और पीने में दोनों में मजा आया। अच्छा बना है साजिद ने। अच्छा आजकल उर्दू में व्लॉग्स बना रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप उर्दू में व्लॉग्स बनाओ, तो इसलिए मैं उर्दू में सोच रहा हूँ कि हर एक दिन वीडियोस बनाऊँ जो कि उर्दू में होना चाहिए। उर्दू में सही है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे उर्दू में, जब तक उर्दू करोगे तभी आप उर्दू में ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। जब एक चीज़ नहीं करोगे आप बोलोगे टफ है टफ है टफ है, तो इसलिए
पहले तो मैं सोचा था कि मैं उर्दू में नहीं करूँगा क्योंकि उर्दू में ज़्यादातर टफ है, मगर आजकल जब भी उर्दू में कर रहा हूँ तो उर्दू भी मेरा सही हो रहा है माशाल्लाह से, और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी माशाल्लाह से सही हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब भी उर्दू में बात करूँगा तो उर्दू में ही सीख जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। सीख तो चुका हूँ पहले से, मगर फिर भी जब उर्दू में बात करूँ थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊँगा, ताकि पाकिस्तान के किसी और कोने में जाऊँगा तो वहाँ पर उर्दू में गटगड़ाहट या फिर घबराहट नहीं होगी उर्दू बोलने में। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब आप चीज़ें करोगे तभी आप सीखोगे, जब आप नहीं करोगे आप बोलोगे कि टफ है या मुश्किल है, आप उसे छोड़ देंगे। तो इसलिए मेरी सजेशन ज़्यादातर यही है कि आप उर्दू में बात करो और तभी आप चीज़ें करो, प्रैक्टिस करो या फिर एक्सपीरियंस करो, आपको तभी सीख मिलेगी उससे। जब भी आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको सीख भी नहीं मिलेगी। तो यह हमारे साथ मौजूद है हमारा पुराना वाला मनुष्य, मनुष्य चेहरा ये मौजूद है हमारे साथ। हमको मनुष्य मत बोल, हम नजर हो गए मर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जब भी आज का कॉन्टेक्ट इसी को मार देंगे। अरे मत मार, कमेंट में बोला मत मार इसको, हम मरेंगे। जो भी बोलेगा इसके साथ, जो भी करना है चैलेंज में बोलो, कसम से उसको इसको इतना जलील करूंगा ना, इसकी शलवार पट जाएगी। कमेंट में बोलो इसकी शलवार पट जाएगी। आप बोलो इसके साथ कुछ करेंगे हम लोग, कमेंट में बोलो, कमेंट सेक्शन में बोलो, या फिर तकरीबन इस वीडियो में अगर 25 लाइक हो गए इसकी पैंट खोल, पैंट नहीं इसको गंजा करेंगे, पूरे बाजार में घुमाएंगे। ये मेरा वादा है, अगर इस वीडियो पे 25 लाइक हो गए इसकी सर गंजा करेंगे, पूरे बाजार घुमाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बस हो गया, बोला है लोगों को, मैंने बोला है, लोगों ने बोला, बस बोला है, बस खत्म। अभी तो मेरे ख्याल से मैं जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से नहीं बल्कि मैं कन्फर्मली जा रहा हूँ अपने कज़न के घर, वहाँ पर मुझे उसको ड्रॉप करना है, जो कि मेरा कज़न है, जो मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको उधर, मींस कि मेरा जो चैनल के अपकमिंग जो मैं एक स्टूडियो बना रहा हूँ उस स्टूडियो का जो मैनेजिंग मैनेजमेंट सब उसी के हाथ में होगा, उसका डायरेक्टर हेड वही है इंशाल्लाह ताला। और उसको मैं अभी जा रहा हूँ उसको रिसीव नहीं बल्कि उसको वहाँ पर छोड़ने के लिए, फिर हम लोग अपने घर में जाएंगे। सबसे पहले उसे मुझे उधर घर पे अपने छोड़ना है, मगर इंशाल्लाह ताला जो मेरा स्टूडियो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से लगभग एक साल में या दो साल के अंदर इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट हो जाएगा, मगर ज़िंदगी और मौत का कुछ भी भरोसा नहीं है कि कब कहाँ कैसे आपका मौत हो जाए, मगर अल्लाह करें हमारी अगर ज़िंदगी हुई तो इंशाल्लाह ताला वही स्टूडियो बनेगा जिसमें गेमिंग भी हम लोग करेंगे, गेमिंग का एक और अलग से चैनल होगा और उसमें हम लोग सब मज़े करेंगे। हमारा जो टीम है अभी फ़िलहाल के लिए, टीम को मैंने क्या कहते हैं रिव्यूल नहीं किया है, इंशाल्लाह ताला हो जल्द से जल्द रिव्यूल भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जब भी रिव्यूल हो जाएगा आप लोगों को भी पता चलेगा, और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग में हम लोग ट्रेवल्स भी करेंगे, टीम के साथ अपने ट्रेवल भी करेंगे और बहुत सारे अपकमिंग सरप्राइजेज हैं और इंशाल्लाह ताला अपने टीम के साथ करेंगे। मगर अभी हम लोग इधर से जाएंगे अपने कज़न को जोड़ने के लिए, कज़न के जोड़ने के बाद हम लोग अपने घर में जाएंगे। बैठो
बैठो बैठो, और स्पीड बोलो, चलाओ ना तेरी। बेचारे हकीमुल्ला का ये गिर गया। मैंने उसको बोला भी था कि मैं स्पीड जा रहा हूँ, संभालो, सीट बेल्ट बांधो, मगर इसने सीट बेल्ट अपनी नहीं बांधी थी। जिंदगी में मैं जब भी किसी के वीडियो देखता हूँ ना, तो वो अपने इस कैमरे से ना दोनों हाथ को ऐसे हिला रहे हैं। मेरा भी कभी भी दिल करता है, मगर मैं क्या करूँ, मैं इतना बाइक का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं अपने दोनों हाथों को नहीं छोड़ता। इसकी वजह यही है, इसका डंप पंग अभी मौज मस्ती के साथ अपने घर पे जा रहे हैं। आज का व्लॉग तो इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं बना, मैं चाहता तो हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं हर एक व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाऊँ, मगर फिर भी हो नहीं पा रहा। पता नहीं क्यों, किस वजह से, किस रीज़न से, या आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, या मैं अपने आप को कुछ सपोर्ट नहीं करूँ, पता नहीं किस वजह से मेरे व्लॉग्स इतने चल नहीं पा रहे। मगर फिर भी जितने भी मेरे हाथ में हो सकते हैं, मैं उतनी ही कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कराऊँ। तो आज का व्लॉग इतना ही था, आज का व्लॉग करते हैं एंड। व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।